ओंकार ब्रह्मनाद है। इसके ध्यान व उच्चारण से आत्मा का ब्रह्म के साथ संबंध जुड़ जाता है। ओम की चमत्कारिक ध्वनि का उच्चारण यदि मनुष्य अटूट श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास से करता है तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक कर सकता है। भाव विविधता चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे अगली वीडियो की अपडेट समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। ओंकार की ध्वनि का सभी संप्रदायों एवं धर्मों में महत्व है। धर्म विभाजन के पूर्व से ही ओंकार की शाश्वतता प्रमाणित है। किसी न किसी रूप में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का प्रमुख हिस्सा ओम ही है। यह ब्रह्म चेतना शक्ति और प्रखरता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में ओम का प्रयोग समस्त मंत्रों के पूर्व होता है। यजुर्वेद में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, ओम खम ब्रह्म है। ओम आकाश रूप में ब्रह्म ही संव्याप्त है। यह प्रणव मंत्र सभी मंत्रों का सेतु है। यहूदी और ईसाई धर्म में भी ओम के तरह के शब्द ओमीन का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में आमीन शब्द का प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में ओम मणिपद में ओम का प्रयोग किया जाता है। सिख संप्रदाय में गुरु नानक जी एक ओंकार रूप में ओम के ही गुणों का गान करने का संदेश देते हैं। ओम से ही अंग्रेजी अक्षर ओमनी बना है, जिसका अर्थ अनंत अर्थात कभी न खत्म होने वाला है। तात्पर्य यह कि विभिन्न धर्मों में ओम के रूप में भी विविधता दिखाई देती है। धर्म संप्रदाय अनुरूप ओम के स्वरूप में अंतर दिखाई देता है। प्रत्येक धर्म में इसका प्रतीकात्मक रूप बदला हुआ नजर आता है, किंतु मूल अर्थों गुणों महत्व के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता। बौद्ध दर्शन में ओम मणिपद में ओम का प्रयोग जप एवं उपासना के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म में दलदल वाले कमल के समान मणिपुर चक्र में ओम को अवस्थित माना गया है। निर्गुण संत कबीरदास जी ने भी ओम के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे अपनी साखियों में लिपिबद्ध किया है। इस प्रकार ओम किसी एक धर्म की सीमा में ना बंधा होकर अपनी सर्वव्यापकता का बोध कराता है। ये हिंदू बौद्ध जैन और सिख आदि धर्मों में पारंपरिक प्रतीक तथा पवित्र ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। यह सार्वभौमिक है। योगियों ऋषियों के मतों को सहमति प्रदान करते हुए अब तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है कि सृष्टि रचना के पूर्व से ही ब्रह्मांड में ओम की प्राकृतिक ध्वनि उपस्थित थी, इसलिए ओम को प्रथम ध्वनि भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा को अधर अरुणी और ओंकार को उत्तर अरुणी बनाकर मंथन रूपी अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूपी ज्योति का आविर्भाव होता है, जिसके प्रकाश से आत्म तत्व से साक्षात्कार होता है। मंडूकोपनिषद में भूत भवतः भविष्य तीनों कालों को ओंकारात्मक ही कहा गया है। धार्मिक ग्रंथ गोपद ब्राह्मण के अनुसार कुश के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुकर ओम रूपी मंत्र का जाप 1000 बार करने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में उल्लेख है कि जो ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम के उच्चारण से शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। ओम को 7 बार जपने के बाद इसका स्पंदन हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उससे भी आगे अनेक ब्रह्मांडों के साथ एकाकार हो जाता है। आध्यात्म में ओम का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों में भी ओम के कई चमत्कारिक प्रभावों का उल्लेख मिलता है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुँचता है और मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है।
जिस प्रकार कटु शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही काम, क्रोध, भय, विषाद आदि भावों के आवेगों को महसूस करता है और उनके हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जो शरीर के लिए अनेक विकारों का कारण बनते हैं। उसी प्रकार प्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से हर्ष, प्रेम, आनंद, उमंग के भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे रक्त संचार नियमित होता है, मन, मस्तिष्क, हृदय पूर्णतः विकारों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ओंकार की ध्वनि से रक्त में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ध्वनि मन, मस्तिष्क और हृदय पर अमृतमयी रसायनों की वर्षा करती है, जिससे मन, मस्तिष्क और शरीर के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।